अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज राइड विद किक। सो आज हम लोग आ गए हैं एक नए और मसालेदार वीडियो के साथ में। आज का जो ये वीडियो है, ये पूरा का पूरा ये दोनों बवाल के ऊपर होने वाला है। तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बवाल चीज़ ही है यार। अगर आप कहीं भी छोटे छोटे सोलो राइड पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो भाई चार चांद लगा देगा ये दो स्पीकर्स। गाइस, तो ये स्पीकर के बारे में मुझे आप लोगों को बताना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा जगह है यहाँ पे रुकने वाला हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी शांति तो नहीं मिलेगी बट एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे मैं इसको प्रॉपर शूट कर सकूँ कि भाई इसका आवाज़ कितना दूर तक आता है और कैसा आता है। तो पहले भाई आप सिनेमेटिक के थ्रू इसको देख लो कि कैसा है। होल्डर है जिसके इसमें ये म्यूजिक सिस्टम भी अटैच्ड है, जिसको ये दो स्पीकर अटैच्ड हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये डिटैचेबल भी है, मतलब इसको यहाँ पे छोटा सा क्लिप दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को दिखा दूं, ये रहा क्लिप। ये क्लिप से आप निकाल के स्पीकर को निकाल के रख भी सकते हो अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो। ये मुझे अच्छा लगा कि हम लोग इसको निकाल के रख सकते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब कि ये जो आवाज़ है इसका ये काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप रनिंग बाइक में 100 km/h पे आप इसको सुन सकते हो क्लियरली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राइडर सुन सकता है। पिलियन पे आवाज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो आप लोगों को और भी बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे आप लोग ये देख रहे हो ये पावर ऑन का है, ये कॉल रिसीव करने के लिए है, प्लस माइनस वॉल्यूम अप डाउन का है। तो इससे मैंने कॉल भी करके देखा है, मतलब मैं बात भी करके देखा हूँ। तो इसके अंदर माइक इनबिल्ड है जिससे आप डायरेक्टली इसके थ्रू यहाँ पर आप बात कर सकते हो ये तीनों के थ्रू, तो बाकी अच्छा है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे एक USB केबल का चार्जिंग केबल भी दिया हुआ है, उसके ऊपर मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ इसका मुझे ये लगता है कि भाई इसका कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। अभी हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं कि इसका वॉल्यूम वगैरह कैसा है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ओके, ब्लूटूथ मोड हो चुका है। अभी मैं मोबाइल रख लेता हूँ यहाँ पे ताकि प्रॉपर होल्ड अप हो जाए मोबाइल। अभी हम लोग एक NCS सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा है और कैसा आवाज़ है इसका। तो नॉर्मल एक NCS प्ले कर लेते हैं। तो आप लोग अभी ये देख सकते हो, ये मैंने इसका फुल वॉल्यूम कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बेस कितने अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहा है। तो अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही तो अच्छी बात है। मतलब इसका मुझे एक चीज़ सबसे अच्छा ये लगा कि ये एकदम सॉफ्ट वॉइस में बजता है। बाइक को खड़े रख के हम लोग ने बजा के देख लिया कैसा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट माउंट लगाते हैं और इसको राइड पे लेके चलते हैं और प्ले करके देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आएगा। गाना प्ले करेंगे और उम्मीद करूँगा भाई कि मेरे को कॉपीराइट ना लगे। सो होप फॉर द बेस्ट कि कॉपीराइट ना लगे, बाकी ये कर तो आप लोगों के लिए ही रहो। सो प्ले करते और चलते आगे की तरफ बढ़ते। ओके, तो अभी जो है इसका वॉल्यूम मैंने कम रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ। बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। ओहो, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ऐसा नहीं कह रहा, वो सारी बंदी गलत है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये जो साउंड है इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये जो पूरा है ओवरऑल जितना भी सिस्टम लगा हुआ है, अगर ये मुझे कॉस्ट करता है 1000 रुपीज़, तो यार अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ है। बिकॉज आप कभी सोलो ट्रिप पे जाते हो या सोलो राइड पे जा रहे हो कहीं पे भी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बोर नहीं होगे, मतलब कि समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। तो साउंड क्वालिटी आपने देख लिया अभी, आई डोंट नो, मेरा माइक जो है वो तो मेरे हेलमेट के अंदर लगा हुआ है, तो उसके अंदर इतना आवाज़ आया कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो मतलब प्रॉपर सुनाई दे रहा था। ऑलमोस्ट मैंने 80-90 की स्पीड ली थी, तो वो स्पीड में मुझे प्रॉपर सुनाई दे रहा था कि क्या बज रहा है। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम नरम। तो भाई मतलब ऐसे ही मज़ा कर सकते हो आप लोग भी। और आप लोगों को बता दूँ कि आई डोंट नो कि मेरा व्यू कैसा आ रहा है, क्योंकि ये बीच में ब्लॉक कर रहा है और यहाँ पे है ऐसा ये सब चीज़ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकिंग हो रहा होगा, बट ठीक है। और GoPro भी काफ़ी शेक हो रहा है, तो आई डोंट नो कि फुटेज कैसा आ रहा है, बाकी उम्मीद करूँगा कि अच्छा है। और माइक एक्सटेंड करना पड़ा मुझे ताकि मैं कनेक्ट करके आपको अपना मज़ा दिखा सकूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो यार अभी वीडियो को एंड करना है मुझे, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट कैमरा स्विच करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई पहले कैमरा स्विच कर लेते हैं, थोड़ा साइड में जगह देख के रुकते हैं। सो भाई काफ़ी मेहनत के बाद में अपना कैमरा जो है वो स्विच हो चुका है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। सो यार विद दैट सेड, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो फिर चलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, बाय बाय।